उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा कर रहा था कि उत्तर की, जैसे चंबल नदी के बारे में मैंने बताया कि चंबल नदी इंदौर के पास से निकलती है और आके लास्ट में यमुना जी से मिल जाती है। इसी प्रकार चंबल की परियोजनाओं के बारे में मैंने बताया, चंबल की क्या क्या परियोजना, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, पूनो नदी के बाद वन्य अभयारण्य के बारे में मैंने आपको बताया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों में बेतवा नदी को। बेतवा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सेकेंड नंबर की नदी है जो चंबल के बाद है, ठीक है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक, अब इसके उद्गम स्थान से लेकर लास्ट स्थान तक हम देखते हैं। उद्गम स्थान कहाँ पे इसका है, कुम्हार गांव रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ है, कुम्हार गांव रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कुम्हार गांव रायसेन जिला में स्थित है। और ये यमुना से कहाँ पे मिलती है, यमुना से मिलती है हमीरपुर के पास। कहाँ, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास ये यमुना से मिल जाती है। ये नदी का नाम हुआ बेतवा नदी, ठीक है, ये है बेतवा नदी, ठीक है मेरे भाई, ये बेतवा नदी, ये है बेतवा। अब बेतवा नदी की क्या क्या इसकी परियोजनाएं हैं, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है मेरे भाई, बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई कितना है, 590 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कुम्हार गांव रायसेन, कुम्हार गांव रायसेन इसका उद्गम स्थान है। ठीक, बेतवा नदी को और क्या कहा जाता है मेरे भाई, बेतवा नदी को और क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषित नदी हो गई है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। अब देखिए, अब पूछेगा कि बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, रायसेन जिले में है, कुम्हार गांव के पास है। बेतवा नदी की लंबाई कितना है, 590 किलोमीटर है। और बेतवा नदी को क्या क्या कहा जाता है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर, एक प्रदूषित रिवर है इसलिए इनको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बेतवा की सहायक नदी है बीना नदी, धसान रिवर व जामिनी नदी। यहाँ पे सारी बीना जामिनी व धसान नदी बनाई गई है, आपको मैप में दिखाया गया है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिकेट किया, ठीक है। अब बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम देख लेते हैं कौन सी परियोजना कहाँ है। जैसे सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना किस शहर में है, विदिशा में। कहाँ है, ये देखिए विदिशा शहर है ना, विदिशा में है ये। कहाँ है, विदिशा, विदिशा में सम्राट अशोक परियोजना मध्य प्रदेश की परियोजना है, याद रखना मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश की परियोजना है सम्राट अशोक परियोजना, ठीक है। अब आता है राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना को लक्ष्मी बाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, लक्ष्मी बाई परियोजना, लक्ष्मी बाई परियोजना के नाम से भी हम राजघाट परियोजना को जानते हैं, ठीक है मेरे भाई, लक्ष्मी बाई परियोजना के नाम से भी हम राजघाट की परियोजना को जानते हैं। ये लक्ष्मीबाई परियोजना संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है, यहां हम लिख देते हैं संयुक्त परियोजना है, ये क्या है, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की व उत्तर प्रदेश की, ये संयुक्त परियोजना।
उत्तर प्रदेश की राजघाट परियोजना इसे कहें या लक्ष्मीबाई परियोजना कहें, दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना भी संयुक्त परियोजना है, यह भी संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब दो राज्यों की परियोजना, ठीक है, दो राज्यों की परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, ऐसा कहें मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना माता टीला परियोजना है, संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब उसके बाद आता है परीक्षा परियोजना। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है, हमीरपुर जिले के पास में है परियोजना, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इस रिवर के बारे में हम देख रहे हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बीना नदी, जामनी नदी व धसान रिवर, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। अब बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगसोद गांव में, बीना नदी के किनारे आगसोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे, यहां लिख देता हूं, बीना नदी के किनारे आगसोद, आगसोद गांव में बीना रिफाइनरी, रिफाइनरी स्थित है। बीना रिफाइनरी स्थित है आगसोद गांव में, बीना रिफाइनरी स्थित है बीना नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बीना नदी का, ठीक है, बीना नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में एरण नामक स्थान पर, अब एक फैक्ट और है कि बीना नदी में सागर जिले में, बीना नदी के किनारे सागर जिला में एरण नामक स्थान पर, एरण नामक स्थान पर सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं मेरे भाई, सती प्रथा के प्रमाण, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सागर जिले में बीना नदी के किनारे सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा इसमें भी टिक लगा दो। सती प्रथा के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, एरण नदी के किनारे, ठीक है, एरण नामक स्थान पर बीना नदी के किनारे सागर जिले में, ठीक है, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर हम इसको कहते हैं। ये है बेतवा का उद्गम स्थान, ये बेतवा का हमारे उद्गम स्थान है कुम्हार गांव राय से, ये बेतवा का उद्गम स्थान है, ठीक है मेरे भाई। बेतवा, उसके बाद बेतवा नदी का आइसलैंड देवरगढ़ किले, ठीक है। अब ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी के यहाँ पे देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है। देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश को बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, बेतवा नदी का आइसलैंड, बेतवा नदी का आइलैंड, बेतवा नदी का आइलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी का आइलैंड किसे कहा जाता है, देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश को, किसको कहा जाता है, देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश को बेतवा नदी का आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त परियोजना, ठीक है मेरे भाई, ठीक,
अब इसके किनारे क्या क्या बसा हुआ उसको हम देख लेते हैं। अब देखो बीना नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है जिसको भालकुंड जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? भालकुंड जलप्रपात व राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात भी इसका नाम है। ठीक है मेरे भाई, इसको राहतगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक इस नदी पर तट है, स्थित है बीना नदी पर स्थित है। ठीक है ना मेरे भाई। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? कौन कौन से शहर स्थित हैं बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर? ठीक है, यहाँ शहर लिखता हूं, शहर बेतवा के किनारे। मैप में भी लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन से शहर बेतवा के किनारे बसे हैं? विदिशा, भोजपुर, सांची। ठीक है, एक है विदिशा। ठीक है, विदिशा, भोजपुर, सांची, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा। चंदेरी व ओरछा, चंदेरी व ओरछा, इतने शहर जो है। देखिए भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ये ओरछा नदी के किनारे तट है लक्ष्मीबाई वाला, ये ओरछा यहां पड़ता है, ओरछा। ठीक है, तो इतने जो है शहर भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे फैक्ट हमारे रहा बेतवा नदी से रिलेटेड, जितने भी फैक्ट थे। बेतवा नदी का लंबाई कितना है? 590 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बेतवा नदी की परियोजनाएं अशोक, सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले में है, राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना एक ही है, राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना एक ही परियोजना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आ जाता है माता टीला परियोजना, संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश का है। परीक्षा परियोजना आ जाती है, परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, हमीरपुर के आसपास में परियोजना है। ठीक है ना, विशेष तथ्य की बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या है? बेतवा नदी को, हाँ बेतवा नदी की जो सहायक बीना नदी है, इंपॉर्टेंट रिवर है, कई सारी चीजें यहाँ पे है। आगसोद गांव एक पड़ता है बीना नदी के किनारे, जहाँ पे बीना रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, बीना रिफाइनरी स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बीना नदी के किनारे एरड़ नामक स्थान पर सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, बीना नदी पर भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात पाया जाता है, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, बेतवा का आइलैंड जो है, बेतवा का आइलैंड देवरगढ़ किला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है ना, बेतवा नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास आके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है। यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, फ्रॉम एंड पॉइंट टू बिगिनिंग पॉइंट, इनका डिस्टेंस 590 किलोमीटर है। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट बेतवा नदी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नदी में, नेक्स्ट पार्ट में पिक्टोरियल डायग्राम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।